इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में जो है आज सुनवाई हुई है। बता दें कि हाइब्रिड मोड में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अपना पक्ष रखा। वही ईडी की ओर से एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बहस की। दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद अदालत ने सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। शुक्रवार को ईडी की ओर से बहस के दौरान कहा गया कि ईडी के समन को चुनौती देना सही नहीं है। वही सीएम की ओर से कहा गया है कि ईडी की ओर से जारी समन अस्पष्ट नहीं है। वही 23 सितंबर को ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। इसके साथ ही याचिका में ईडी की शक्तियों को भी चुनौती दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। वही सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा है कि सीएम ने समन का पहले ही उल्लंघन किया है, वे किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसे में अब समन को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है। वही सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि सीएम के खिलाफ किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है, ऐसे में ईडी का समन उचित नहीं है। ईडी ने कहा कि प्रार्थी ने जो पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 60 को चुनौती दी है, उसे सुप्रीम कोर्ट विजय मदन लाल चौधरी के केस में डिसाइड कर चुका है। इसके तहत एजेंसी को समन और बयान लेने का अधिकार है। ऐसे में हाईकोर्ट इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े हुए, क्योंकि कई बार 5 समन जो है ईडी भेज चुका है और उसके बावजूद जो है अब यह मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में आज कुछ निर्णय हुए, वह हम आपने आपको जानकारी दी है। इस खबर में बने रहे, हम आगे भी तमाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई खबरों को अपडेट जरूर करेंगे। फिलहाल खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के माध्यम से अपना सवाल जरूर पूछें। लाइव लगातार के रांची से मैं कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।